रीवा जिले के मनगवां थाना अंतर्गत मनिकवार कस्बा में संचालित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेंध लगाकर 78,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो आधी रात अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने बैंक की बाई और लगी खिड़की तोड़ दी। इसके बाद एक बदमाश बैंक के अंदर दाखिल हुआ, जबकि अन्य साथी बाहर खड़े होकर पहरेदारी करते रहे। दावा है कि शातिर बदमाश बैंक में प्रवेश करने के बाद सभी कक्षों पर गया, अंत में कैश रूम पर पहुंचा जहां काफी समय तक लॉकर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल हो गया। जब कुछ नहीं मिला तो कैश रूम में रखी पेटी के पास पहुंचा, ताला तोड़ा तो एक बोरी सिक्के निकले। ऐसे में 78,375 रुपए सिक्के लेकर ही फरार हो गया। मनगवां थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पटेल ने बताया कि यूबीआई का मनिकवार शाखा के बैंक मैनेजर ने सोमवार की सुबह 11 बजे के बाद मनिकवार चौकी को सूचना दी। दावा किया कि रात के समय अज्ञात बदमाशों ने बैंक में सेंधमारी की है। इसके बाद थाने व चौकी का बल मौके पर पहुंचा था। बैंक चोरी की वारदात के बारे में पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया था। बता दें, ऐसे में मनगवां एसडीओपी केएस द्विवेदी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और एफएसआई टीम को मौके पर बुलाया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एवं साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र पटेल ने वारदात से जुड़े अहम साक्ष्य जुटाए हैं। दावा है कि जल्दबाजी में बैंक कर्मियों ने घटना स्थल से छेड़छाड़ कर दी थी, इसलिए कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। चौकी प्रभारी महेंद्र बागरी ने बताया कि बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ऐसे में मौके का फायदा अज्ञात बदमाशों ने उठाया है। हालांकि बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी में एक नकाबपोश चोर कैद हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अन्य बदमाश बैंक के बाहर रहे होंगे, सिर्फ एक बदमाश ने ही प्रवेश किया था। अगर आवश्यकता पड़ती है तो अन्य बदमाश भी जा सकते थे। फिलहाल चोरी का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।